नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिजनेस आइडिया विद रोबिन में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। स्वैपिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे ये ऑपरेट होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले आपको इस ऑटो के एक कंप्लीट राउंड अबाउट दे देता हूँ, ये ऑटो दिखता कैसा है। MTA EV कंपनी का ये इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ऑटो है जिसकी स्पेसिफिकेशंस और स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस की और इसके लुक्स की। सामने से देखें तो आपको ये कुछ ऐसा लुक देने वाला है। सामने इसकी दो LDR लाइट विद हेडलैम्प आपको मिलने वाली हैं। टायर इसमें आपको विद एलॉय ऐसा देखने को मिलने वाला है। बॉडी सामने से इसकी प्लास्टिक की रहने वाली है। और इंटीरियर लुक की बात करें तो अंदर से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। डिजिटल एक इसमें आपको स्क्रीन मिलेगी विद डिजिटल स्पीडोमीटर। क्या ये स्क्रीन का काम है, कैसे ये ऑपरेट करती है, सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, तो चलिए बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से। सर, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज आप हमें इस पर्टिकुलर आपने मॉडल के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सो ये हमारा L5 कैटेगरी में पैसेंजर मॉडल है। इस मॉडल के फ्रंट में आप DRL LED लैंप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक में क्या रहता है, जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि वो ऑन है या क्या है, कोई भी आगे आ सकता है। DRL के साथ थोड़ा इंडिकेशन रहता है कि गाड़ी ऑन है। फ्रंट में आपको यहाँ पे 9 इंच का एंड्रॉयड डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा जिसमें ट्रिप मीटर, स्पीड और SOC आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाड़ी में ब्लूटूथ फैसिलिटी है विद ड्यूल स्पीकर्स। और आपके यहाँ पे दो गियर सिस्टम भी आते हैं ताकि जब आप गाड़ी चढ़ाई पे लेके जा रहे हो तो आप पहला गियर लगा सकें, जब आप उतराई पे आ रहे हो तो आप दूसरा लगा सकें। इसमें 3 पावर मोड्स रहेंगे ताकि आप 3 स्पीड्स के बीच में चेंज कर सकें। और आपका ड्राइविंग मोड उस तरफ रहेगा ताकि आपकी जो ड्राइविंग का पैटर्न है लाइक फॉरवर्ड, न्यूट्रल, रिवर्स, आप उसको भी चेंज कर सकें। सारा कुछ अंगूठे के साथ एक्सेसिबल है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जो सीट है वो एडजस्टेबल है तो आप अपनी सीट को आगे भी मूव कर सकते हैं और अपनी सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आपका ड्राइवर काफ़ी टाइम तक चला रहा है सारे दिन में, बिकॉज वो सारा दिन गाड़ी में ही रहेगा, तो उसके लिए ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। फायर सेफ्टी के लिए ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी अवेलेबल है। डस्टबिन का प्रोविज़न या बॉटल होल्डर का प्रोविज़न भी रहेगा। टूल किट, फर्स्ट एड किट। आपकी गाड़ी में पीछे काफ़ी ज़्यादा लेग रूम अवेलेबल है, आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। इस गाड़ी में रूफ खोलने का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से इसका मॉडल और आगे से लैच निकाल के पूरी की पूरी रूफ को पीछे खोल सकते हैं। तो उसके साथ ये गाड़ी एक हैचबैक टाइप बन जाएगी जिसमें आप बैठकर आराम से पूरी गाड़ी का मुआयना कर सकते हैं। पीछे काफ़ी स्पेस है, सेफ्टी के ऊपर हमने काफ़ी ध्यान दिया है, तो सीट बेल्ट सारी जगह पे अवेलेबल है। अगर ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो इट विल स्टार्ट बीपिंग ताकि उसको पता लग जाए कि सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाना है। इस गाड़ी में 7 kW की मोटर है और 2 गियर का सिस्टम है। 35 Nm की ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड टॉप स्पीड ऑफ 45। इसके अंदर 3 स्वैपेबल बैटरीज हैं जो कि सन मोबिलिटी के थ्रू पावर्ड हैं, सो दैट जब आपको गाड़ी के लिए बैटरी चेंज करना हो तो आपके पास वो ऑप्शन रहे। तो स्वैपेबल टेक्नोलॉजी की अगर सर बात करें तो काफ़ी लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो उन लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए स्वैपेबल टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए, आइडिया बेसिक ये रहता है कि आपके पास 3 बैटरीज लगी है गाड़ी में, इंस्टेड ऑफ आप पूरा दिन बैठकर 4 घंटा उसको चार्ज नहीं कर सकते एज ए ड्राइवर, तो आप अपना आसपास के जो स्टेशन रहेगा वहाँ पे जाइए, आप अपनी जो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है उसको निकालें, स्टेशन पे जाकर आप चार्ज वाली बैटरी को बाहर निकालिए, अपनी डिस्चार्ज वाली बैटरी को डालिए, उसके हिसाब से वो आपको कॉस्टिंग बताएगा, पे करिए और अपनी चार्जिंग वाली बैटरी को गाड़ी में लगाइए। तकरीबन 2 मिनट का पूरा समय लगता है और आप दोबारा से 100 किलोमीटर चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है और इतनी जल्दी बैटरी स्टॉप हो रही है तो बैटरी की लायबिलिटी ड्राइवर पे नहीं आती है, वो कंपनी अपने आप पूरी क्वालिटी मेंटेन करके रखती है।
ठीक है। तो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल सा ये है, आपकी अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिंपल हम स्टेशन पे जाके उसको विद फुल्ली चार्ज बैटरी के साथ रिप्लेस करके उसकी जो भी अमाउंट होती है उसे पे करके अपने साथ फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं जी। ठीक है, तो अभी ये जो स्वैपिंग टेक्नोलॉजीज है ये हर एक ईवी स्टेशन पर अवेलेबल है? मोस्टली इनका स्टेशन भी थोड़ा सा अलग है, और बाकी जो आपका नॉर्मल पेट्रोल पंप रहता है तो उनके साथ इनका टाई अप है। तो पेट्रोल पंप के साथ ही आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें एक एरे बन रखा होगा 10-12 बैटरीज का, तो वहीं पे आप स्वैपिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मॉडल का क्या नाम है? सो ये वाला मॉडल शेरा कम्फी है, इसमें 350 किलो तक की कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, हमारा फरीदाबाद में प्लांट है और कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा गुड़गांव में है, तो जो भी इसका काम रहता है ए टू जेड वो हम फरीदाबाद वाले प्लांट में ही पूरी गाड़ी के ऊपर काम करते हैं। तो ऑल द वे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शीट मेटल पार्ट, वहाँ से उसको जोड़ना, वेल्डिंग करना, टू द डिस्पैच पार्ट और क्वालिटी चेक का पार्ट जो रहता है वो सारा कुछ हम अपने फरीदा वाले प्लांट में ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और बात करें इसके अवेलेबिलिटी की, तो ये इंडिया में अभी कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अभी सर हम डीलरशिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आने वाले अक्टूबर के आसपास ये गाड़ी रिटेल में अवेलेबल हो जाएगी, तो अक्टूबर के महीने में लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अभी ये परचेज के लिए अवेलेबल नहीं है? अभी सर थोड़ा सा टाइम लगेगा डीलरशिप्स नेटवर्क सेटअप करने के लिए और आपका पूरा सप्लाई चेन के साथ, तो अक्टूबर के आसपास द व्हीकल विल बी अवेलेबल फॉर रिटेल मॉडल, तो आप खरीद सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये तो मॉडल हो गया पैसेंजर्स के लिए। एक इसी कंपनी में हम देख पा रहे हैं साइड में ये लोडर, यानी कि जो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होता है वो भी इस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो ये वाला जो मॉडल है ये शेरा राइट है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 550 किलो की है, इसके टॉप स्पीड 45 तक की है और इसमें दो गियर का ऑप्शन आता है। पहला गियर जो है वो आपको 15 की रेशो के साथ मिलेगा, दूसरा गियर जो है वो आपको 8 की रेशो के साथ मिलेगा। तो जब आप चढ़ाई पे जा रहे हैं पहला लगा सकते हैं, जब आप उतराई पे आ रहे हैं तो आप आप चढ़ाई और प्लेन रास्ते पे जा रहे हैं तो आप दूसरा लगा सकते हैं। इस गाड़ी में 4 वेरिएंट रहेंगे, एक फ्लैट बेड वाला, एक हाफ बेड जो आपके सामने है, और एक फुल बॉडी, और चौथा रहेगा रेफ्रिजरेशन के साथ। ठीक है, तो इस वाले व्हीकल में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है जिसमें वो गियर अपने आप ही बदलेगा। ये हमारे लिए खास बात है कि हम गियर बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिक लेके आ रहे हैं इस सेगमेंट के लिए, और वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दूसरे वाली गाड़ी के लिए भी उपलब्ध है। दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक के साथ 20-20 किलोमीटर की रेंज तक का फ़ायदा मिल सकता है, और जो गाड़ी है उसमें सेफ्टी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो आगे आपको एडास के लिए सिस्टम मिलेगा, जो कि अगर आपकी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से सामने किसी ऑब्जेक्ट के पास आती है तो वो स्लो करके उसे रोक देगा, एडास का फंक्शन हो रहा। साथ में DMS का ऑप्शन भी है, ताकि अगर आपका ड्राइवर बीच में फ़ोन चला रहा है, ड्रिंक कर रहा है या उसका ध्यान नहीं है, तो अलर्ट साउंड जनरेट कर देगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी, GPS कनेक्टिविटी, मोबाइल ट्रैकिंग अवेलेबल है। इसके कार्गो बॉक्स के लिए हमारे पास एक जियोमेट्रिक लॉक भी है जो ड्राइवर की ऑथेंटिकेशन के बिना ऑपरेट नहीं करेगा, तो अगर आपके पास एक्सेस की कार्ड है तभी वो पीछे से कार्गो लॉक बॉक्स खुलेगा, अदरवाइज वो नहीं खुलने वाला है। तो क्या ये मॉडल लॉन्च हो चुका है, क्या ये अवेलेबल है? ये वाला मॉडल सर जून में अवेलेबल हो जाएगा फॉर कस्टमर्स। इसका प्राइस रहेगा, एक्स शोरूम प्राइस रहेगा अबाउट 390, और जो ऑटोमेटिक वर्जन रहेगा उसका प्राइस रहेगा 411। इसके ऊपर आपको जो सब्सिडीज है वो अप्लाई होंगी, तो आपको प्राइस काफ़ी कम रहेगा, वो स्टेट टू स्टेट और एरिया के बेसिस पे डिपेंड करेगा। बट दोनों मॉडल्स जून एंड वो वाला मॉडल अक्टूबर में रिटेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा विद डीलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल। सर्विसिंग के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पार्ट्स जो यूनिक हैं, बाकी पार्ट्स यू कैन ईजिली फाइंड इन द स्पेयर मार्केट, ताकि अगर किसी ड्राइवर को इसकी टेंशन ना रहे कि यार नई कंपनी है, नई गाड़ी है, इसका स्पेयर पार्ट कहाँ से मैं खरीदूँगा। स्पेयर पार्ट आर कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट, हमने जानबूझ के वैसे पार्ट्स यूज़ करे जो बाकी लोगों को अवेलेबिलिटी के लिए आसानी रहे, उनको स्पेशल डीलरशिप का वेट ना करना पड़े। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे लिए खास है और जिस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सर एक काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों आप बताएं आपको इनका कंसेप्ट और इनके प्रोडक्ट्स कैसे लगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।